अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं चुटकी, आज नहीं। अरे कहाँ गई बहुरिया की यशोदा मैया? विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, अरे विधि की तैयारी शुरू करते हैं। छोटी माँ, लोग कहते हैं बेटी की विदाई में माँ से गले लगे बिना अधूरे रह जाते, पर मुझे देखिए ऐसे समय में भी माँ से गले मिलने का सुख नहीं मिल पा रहा। मैं ऐसा नहीं सोचते बेटा, दीदी ने कलेजे पे पत्थर रखा है तुम्हारे सुख के लिए, और हम सब है ना, तो खुशी खुशी जाओ। जी हम बारात के साथ आए थे, तो बारात के साथ ही जाना होगा, सो सोच रहे थे कि सुमन को भी अपने साथ ही लिए जाते हैं। नहीं नहीं, सुमन कहीं नहीं जाएगी। क्या हुआ माँ? अगर सुमन कुछ दिन यहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी हम दोनों को साथ में स्टडी करनी है, आपको तो पता है कि मेडिकल की तैयारी हम दोनों साथ ही में कर रहे हैं, और अभी हॉस्टल भी बंद है। भाई साहब, सुमन को रहने दीजिए ना कुछ और दिन, इनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमें भी अच्छा लगेगा। जी ठीक है, कुछ ही दिनों की तो बात है, और शिखर तो आने ही वाला है, तो सुमन उसी के साथ वापस आ जाएगी। अपना ख्याल रखो। नमस्ते। बड़ी माँ। दीदी। यस। ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम बड़की मो? प्रायश्चित बाबूजी, प्रायश्चित। आज समझ में आया हमको कि विधवा का सती होना ही सही था, और आज हमको ये बात सिखाया छोटकी ने। अरे अब छोटकी बहू ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना बड़ा फैसला लेने पर आतुर हो गई हो? खानदान का मान और आत्मसम्मान से बढ़कर भी कुछ चीज होता है क्या बाबूजी? जिंदगी ने पति का संग और खुशियों का रंग तो हमसे पहले ही छीन लिया था,
तिनका कर बेटी की खुशियों में हम अपनी खुशी ढूंढ लिया करते थे, पर चोटकी ने हमसे आज वो सब कुछ छीन लिया। खुद को यशोदा बनाते बनाते बड़ी चालाकी से हमें देवकी भी नहीं रहने दिया। चुटकी ने बेटी की नजरों में ही छोटा बना दिया हमको, कुचल के रख दिया हमारे आत्मसम्मान को भी सबके सामने। अब तो बस हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। नहीं नहीं दीदी। बड़ी माँ, सुरभि माँ, छोड़ो रे, हटो, दूर रहो हमसे। दीदी दीदी क्या पागलपन है बड़की बहू, पगला गई हो क्या? जिसका सब कुछ लूट गया हो बाबूजी, वो तो पागल ही हो जाएगी। वो हार हम आप ही के लिए लाए थे, वो बक्स कुछ छोटा बड़ा था, हमें नहीं मालूम वो नौलख का हार का बक्स हमारे पास कैसे आ गया। गलती तो हुई है दीदी। ये गलती नहीं, सोची समझी साजिश थी हमको छोटा दिखाने के लिए। गलती ज्वेलर से हुई है बड़ी माँ, शायद हमसे, क्योंकि मैं खुद गया था सबके लिए गहने बनवाने। दादाजी से लेकर नंदनी तक के सारे गिफ्ट मैंने खुद ऑर्डर किए थे। शायद मुझसे कोई गलती हो गई ज्वेलर को समझाने में, और आपका वो गिफ्ट ऐसा नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था। अरे वाह रे बहुआ, तो यही है राम के असली रंग। अरे हम तो तुमको राम जी समझे थे, राम जी जो सबके होते हैं, जो अपनी माँ कौशल्या नहीं दूसरी माँ कैकेयी के वरदान के कारण राजपाट त्याग के चले गए। लेकिन तुम तो साधारण बेटा निकले बउआ, जो अपनी माँ के साथ आके खड़ा हो गया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारा विश्वास करिए दीदी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सुरभि माँ पर उंगली उठ, अंशुमन जी सारा इल्जाम खुद पर ले रहे हो, तुम बस स्टैचू की तरह खड़े हो यहाँ पे। यही है तुम्हारा दशा हाँ, कि सच बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही तुम्हारी। बताओ सबको कि गलती तुम्हारी है। ये सही है, गलती खुद करो और कहो कि गलती मैंने की। तुम सामने से आ रही थी, तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम टकराए और बॉक्स एक्सचेंज हुआ, समझ गए? जिसकी वजह से माँ का हर बड़ी माँ को, और ये सब जो नाटक हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो गया। What do you mean? खुद की गलती दूसरे पर थोप रहे हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही या डर रहे हो? अच्छा शट अप, मैं अपने घर में भला क्यों डरूंगा? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था, तुम सामने से फोन पे बात करते हुए आ रही थी। हम नहीं खोए हुए थे अपने फोन में, तो माए हमारे सामने तुम टकराए।
आप अपनी गलती मानो और सबको सच बताओ। मैं सच ही तो कह रहा हूँ, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम सामने से आ रही थी, तुम टकराई थी मुझसे। तुम्हारी गलती है। तुम दोनों चुप।